नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज एक्सपर्ट में। दोस्तों आज तारीख है 25 सितंबर और आज हम बात करने वाले हैं देश भर की 25 बड़ी खबरों पर। दोस्तों अगर आपको भी अपने राज्य की 25 बड़ी खबरें जाननी है तो वीडियो के नीचे कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दीजिएगा, हम आपके राज्य की 25 बड़ी खबरें आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह बेस्ट चांस है। दिल्ली पुलिस में फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के लिए 27 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इसमें अप्लाई नहीं किया है तो 30 सितंबर तक लास्ट आवेदन प्रक्रिया की डेट है। राज्य स्थापना दिवस में 60 साल की उम्र पूरी करते ही पात्र लाभार्थी को आसानी से पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। इसकी प्रक्रिया 6 माह पहले ही पूरी कर दी जाएगी। समाज कल्याण विभाग की ओर से पात्र लाभार्थी के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। निदेशक समाज कल्याण प्रकाश चंद्र ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। राजपुर निवासी एक कारोबारी को जमीन बेचने के नाम पर कुछ लोगों ने करोड़ों रुपए हड़प लिए थे। पुलिस ने इसी वर्ष संजीव कुमार और संजय गुप्ता के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया था। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सितंबर का महीना बम्पर सौगात लेकर आया है। आरआरबी एनटीपीसी भारती 2024 से लेकर एसएससी जीडी 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं कुछ बड़ी भर्तियों की लास्ट डेट भी नजदीक आ गई है। रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स के लिए दिल्ली के लिए एक आकर्षक ऑफर पेश किया है। इस ऑफर के तहत ग्राहकों को एक साल का मुफ्त जियो फाइबर कनेक्शन पाने का मौका मिलेगा। यूजर इसका फायदा 3 नवंबर 2024 तक उठा सकते हैं। ये फायदा नए मौजूदा जियो फाइबर और जियो एयर फाइबर यूजर उठा सकते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई रिलायंस होम फाइनेंस मामले में जनरल पर्पज कॉर्पोरेट लोगों को मंजूरी देते समय ठीक से जानकारी और एनालिसिस न करने के लिए की गई है। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने राज्य में बाढ़ की स्थिति पर कहा कि ममता बनर्जी इसके लिए जिम्मेदार है, यह टीएमसी की विफलता है। टीएमसी और घाटल के लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। राज्य सरकार की यहाँ कोई भूमिका नहीं है। ममता बनर्जी यहाँ खुद आई लेकिन क्या हुआ? लोगों के घर में चावल नहीं है, तिरपाल नहीं है, बच्चों के लिए खाना नहीं है। सरकार यहाँ पूरी तरह से विफल रही है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। शाह नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर में पार्टी पदाधिकारियों से मिलेंगे। इसके बाद 25 सितंबर को नासिक और कोल्हापुर में बातचीत करेंगे। यूएन समिट ऑफ फ्यूचर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया है। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। पीएम मोदी ने कहा कि शांति के लिए विकास जरूरी है, शांति के लिए रिफॉर्म जरूरी है, दुनिया भर में तकनीकी के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए जरूरी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी अमेरिका की एक बहुत ही गहन और सफल यात्रा पूरी कर ली है और वे शीघ्र ही भारत के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रवण सिंह पटेल ने हरियाणा के पीपली में आज बड़ी महापंचायत करने का ऐलान किया है। सभी किसानों को यहां पहुंचने का आह्वान किया गया है। इसके साथ ही किसान आगामी बुधवार को अमृतसर से पंजाब के डीसी ऑफिस में मोर्चा लगाने की तैयारी कर रहे हैं। बीजू जनता दल ने 27 सितंबर को भुवनेश्वर के 6 घंटे के बंद का आह्वान किया है। पार्टी ने सेना के एक मेजर और उसकी मंगेतर पर हमले को लेकर बढ़ते आक्रोश के जवाब में बंद की घोषणा की है। इस मामले में उड़ीसा पुलिस की व्यापक आलोचना शुरू हुई है। वहीं वैवाहिक बलात्कार के मामलों में पतियों को छूट देने वाले कानूनों के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की अपनी 3 दिवसीय यात्रा संपन्न करके दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। इससे पहले न्यूयॉर्क में यूएन के समिट ऑफ फ्यूचर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि सफलता युद्ध में नहीं बल्कि एकजुटता में है। यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सपा लगातार सक्रिय है। अब पार्टी की सक्रियता सोशल मीडिया पर भी नजर आएगी। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का 2रा मुकाबला होने जा रहा है। यह मुकाबला कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में 27 सितंबर को होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2018 में केरल में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सुहेब की हत्या मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने केरल हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल पुलिस ने पहले ही कई लोगों को आरोपी बनाते हुए चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी ने बेरोजगारी की ऐसी महामारी फैलाई है कि होनहार युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। प्रदेश में कुल 4.5 लाख सरकारी पद है जिनमें से 1.8 लाख पद खाली पड़े हैं। भाजपा ने हरियाणा के युवाओं से भविष्य की सारी उम्मीदें छीनकर उनके साथ घोर अन्याय किया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस का मूल चरित्र दलित विरोधी है। इनका इतिहास उठाकर देखे तो इनका दलित विरोधी चेहरा बेनकाब होता है। उन्होंने हमेशा अपने नेताओं का अपमान किया है। अगर कांग्रेस में कोई दलित नेता अपनी मेहनत से थोड़ा भी ऊपर उठता है तो यह कांग्रेस का चरित्र रहा है जो पूरे देश के सामने है कि उसे कुचलने का काम किया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी के विश्व कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा इस्तीफा देने का कोई सवाल नहीं है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, वही किसी घोटाले में शामिल नहीं है, यह भाजपा द्वारा एक राजनीतिक साजिश है। दिल्ली में वायु प्रदूषण से जुड़े मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट 27 सितंबर को सुनवाई करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि पंजाब में पराली को जलाना फिर से शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से जवाब मांगा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी करनोट पले से स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंची और उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। वे मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के बाद पहली बार करनोट पैलेस के हनुमान मंदिर पहुंची है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी नागरिक उस होटल के बाहर एकत्रित हुए हैं जहां बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पहुंचे हैं। बांग्लादेशी नागरिक ने अपने देश के अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर मोहम्मद यूनुस खिलाफ नारेबाजी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा के समापन के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र में क्वाड लीडर समिट और भविष्य के शिखर सम्मेलन में भाग लिया। सरवन सिंह पटेल ने हरियाणा के पीपली में आज बड़ी महापंचायत करने का ऐलान किया है, वही किसानों को वहां पहुंचने का आह्वान किया है। इसके साथ किसान आगामी बुधवार को अमृतसर से पंजाब के डीसी ऑफिसर में मोर्चा लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति ने बुधवार को विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन को 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी के मुद्दे पर 24 सितंबर को पेश होने के लिए समन भेजा है। दोस्तों आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।